इरशाद अली पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मददगार, लेकिन उसी खुफिया एजेंसी और पुलिस ने अपने ही मददगार को आतंकवादी साबित करने के लिए उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया। इरशाद के 4 साल जेल में बीते, घर परिवार निजी जिंदगी सब तबाह हो गई। ग्यारह साल आतंकवाद का झूठा जाल, बिना गुनाह के 4 साल की कैद। 11 साल बाद झूठे निकले आतंक के आरोप। इरशाद अली हमारे देश के सिस्टम का अत्याचार झेलने वाला एक जीती जागती कहानी है। इरशाद आतंकवाद के झूठे आरोप में 4 साल कैद रहा और 11 साल की कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर किया गया। आतंकवाद का ठप्पा लगने से इरशाद का घर परिवार सब तबाह हो गया। जेल में रहने के दौरान माँ बाप सदमे में चल बसे। उसकी नवजात बेटी ने आंखें खोली ही थी कि हमेशा के लिए बंद हो गई। कानूनी और सामाजिक अत्याचार झेलने वाला इरशाद आज बाइज्जत बरी है और सवाल पूछ रहा है उन अधिकारियों से जिन्होंने उसे आतंकवादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के इरशाद अली को पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुकरबा चौक से 9 फरवरी 2006 को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया था। इरशाद के मुताबिक वो कभी सेंट्रल एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मुखबिर था और जिन अधिकारियों ने उस पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया वो उसके अच्छे खासे जानकार थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जानकार अधिकारियों ने ही उसे आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया? खुद इरशाद से सुनिए। मैं इंटेलिजेंस के लिए सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करता था। मुझे उस दिन धोला कुआं पे बुलाया गया कि आप अपनी तनख्वाह ले जाएं आकर के। मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती थी 7,000 रुपये। वहाँ बुलाया गया और मुझे एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, उसमें 5-6 लोग थे। उसमें जिस अफसर के लिए मैं रिपोर्टिंग किया करता था वो अफसर था। उसने मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे वो ले गया। तकरीबन 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 9 फरवरी 2006 को इरशाद और उसके एक साथी को करनाल बाईपास ले जाया गया, जहां उसकी तस्वीरें ली गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे मीडिया के सामने आतंकी बनाकर पेश कर दिया। स्पेशल सेल ने मेरे गिरफ्तारी का ड्रामा बाईपास मुकरबा चौक से किया। वहां पर मुझे मेरी इलीगल कस्टडी वहां खत्म होती है और वहां से फिर लीगल कस्टडी शुरू होती है मेरी। पुलिस ने दावा किया था कि इरशाद का एक साथी मौरिफ कमर हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। कहा गया ये दोनों किसी आतंकी घटना को अंजाम देने जम्मू से दिल्ली आ रहे थे। इरशाद जब जेल में रहे तब घर चलाने के लिए उनकी बीबी शबाना ने अकेले लंबा संघर्ष किया। वक्त से पहले उनकी उम्र ढल गई। इरशाद जब तिहाड़ में थे तो उनकी बीबी शबाना मजदूरों के लिए खाना बनाकर घर का खर्च चलाती थी। बाइज्जत बरी होने पर शबाना की आंखें पुराने दिनों को सोचकर बंद हो जाती हैं, मुंह से बोल नहीं फूटते। घरों में टिफिन सप्लाई करती थी, बीसी चलाती थी, उसी से घर का गुजारा करो। बच्चे छोटे छोटे थे। एक आदमी जेल जाता है तो वो एक आदमी जेल नहीं जाता, उसकी पूरी फैमिली जेल चली जाती है सही मानों में। क्योंकि मेरे उस टाइम 10 मेंबर थे घर में, कमाने वाला मैं अकेला था। उन्होंने किस किस तरह जिंदगी गुजारी वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर इरशाद को 2009 में जमानत मिली और 22 दिसंबर 2016 को उन्हें कोर्ट ने बेगुनाह करार दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि इरशाद पर झूठे आरोप लगाने वाले अधिकारियों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उनके वकील ने मामले की जांच की मांग की है। इंक्वायरी हो इनके खिलाफ, जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इसमें, एक्विटल के पीछे या फॉल्स इम्प्लिकेशन हम नहीं कहते, वो अपने आप इसमें इंक्वायरी करेंगे तो वो डायरेक्ट सुपरविजन कमिश्नर ऑफ पुलिस के वो इंक्वायरी कंडक्ट हो और उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्शन है वो उनके खिलाफ लिया जाए, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं लोग। इरशाद अली की कहानी एक साथ व्यवस्था की कई खामियों को उजागर करती है, एक साधारण नागरिक को अत्याचार सहने के लिए मजबूर करती है और जेल में डाल देती है। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई अदालत के जरिए बच जाता है तो ये व्यवस्था इस यातना के लिए जिम्मेदार लोगों से पलटकर तो सवाल भी नहीं कर पाती, किसी को जवाबदेह तक नहीं बना पाती। ऐसे में दिल्ली का ये शख्स ये बताना चाहता है, इरशाद हूँ, आतंकवादी नहीं।
2006 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इरशाद अली को गिरफ्तार किया, उस पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट में 11 साल मुकदमा चलने के बाद इरशाद अली बाइज्जत बरी हो गया है। अब इरशाद ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जो उसके 11 साल कानूनी दावपेच में बर्बाद हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर और अनिल सूद के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए कैसे सिस्टम के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ इरशाद ने जीती कानूनी जंग। कभी आईबी और स्पेशल सेल के लिए मुखबिरी करने वाला ही देश पर हमले की साजिश के झूठे आरोपों में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब इरशाद को बड़े पुलिस अधिकारियों से जूझना था, अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करना था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इरशाद ने वो भी कर दिखाया। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इरशाद के मामले में ये बात सच तो साबित हुई, लेकिन कानून के लंबे हाथ भी 11 साल बाद सच्चाई तक पहुंच पाए। 22 दिसंबर 2016 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इरशाद अली को आतंकवाद के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने इरशाद के खिलाफ सभी आरोप पूरी तरह से झूठे पाए। कोर्ट ने माना कि इरशाद को फंसाने के मकसद से ही उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। इरशाद पर आरोप थे कि वो दिल्ली पर हमले की फिराक में भारी विस्फोटक के साथ जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ रहा है। पुलिस ने इरशाद के पास से RDX जब्त करने का भी दावा किया। स्पेशल सेल ने इरशाद पर IPC की धारा 121, 122, 123, 120 बी और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत और कई धाराओं में केस दर्ज किया। ये मैटर हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें RDX जो है वो रिकवरी दिखाई गई है और एज पर द CBI रिपोर्ट ये RDX जो है प्लांट करा गया है। तो अगर ये सच है बात, तो CBI को चाहिए कि पूरी की पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूसिवली सामने लाए कि सोर्स क्या है RDX का, कहां से इसको प्रोक्योर करा गया। स्पेशल सेल ने मामले में चार्जशीट दायर की तो ठोस सबूतों के आधार पर इरशाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी और CBI की रिपोर्ट के बाद सच की परतों से पर्दा उठने लगा। CBI ने स्पेशल सेल के सभी आरोपों को निराधार माना और तो और केस में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। CBI ने कहा ये बात कि पुलिस ने झूठी तरक्की, झूठे मेडल पाने के लिए, झूठी सरकार के वाहवा लूटने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इनको बलि का बकरा बनाया गया। ये बिल्कुल बेगुनाह है, इनको छोड़ दिया जाए और फला 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 ऑफिसर इनके खिलाफ कार्रवाई की हमें इजाजत दी जाए। लेकिन सच के लिबास में बुना झूठ इतनी जल्दी कहां उधरने वाला था। कोर्ट के चक्कर अभी और खींचने थे। मामले के खिलाफ स्पेशल सेल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को विकल्प दिए कि या तो वो CBI रिपोर्ट के आधार पर इरशाद को बरी कर दे या फिर ट्रायल चलाकर मामले का निपटारा करे। लिहाजा 2009 में इरशाद को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया और पिछले दिसंबर में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने इरशाद को बाइज्जत बरी भी कर दिया। यहाँ पर स्टेट एज ए गार्जियन उसके साथ खड़ा होगा। इस पे हमारी पॉलिसीज भी हैं, विक्टिम कंपनसेशन, सॉली सरब जी हमारे जस्टिस जो थे उन्होंने इस पे रखा है कि उसको एक कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हमारा कानून कहता है कि बेशक 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मगर इसी कश्मकश में इरशाद के 4 साल जेल में कट गए और 11 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अब कानून चाहे इरशाद को मुआवजा देकर उनके नुकसान की भरपाई की कोशिश करे, लेकिन 11 साल तक जिस शख्स के नाम के साथ आतंकी होने का ठप्पा लगा रहा, वो वक्त तो कोई भी उसे वापस नहीं दे पाएगा। वक्त और एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए कौन है वो अधिकारी जिनसे इरशाद के इंसाफ की लड़ाई अभी भी जारी है। ब्रेक के बाद इरशाद की लड़ाई उसके बरी होने पर खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। इरशाद अली अब उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया था।
इरशाद का मामला हमारे देश का इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इरशाद जैसे ऐसे कई हैं जो अपने वजूद पर एक आतंकवादी होने का ठप्पा लगने के बाद बाइज्जत बरी होकर अपने घर लौटे हैं, लेकिन वापस लौटने पर क्या उनकी जिंदगी सामान्य हो पाती है? अपनी रूह पर लगे घिनौने आरोपों के जख्म कभी मिट पाते हैं? इरशाद को सिर्फ सफेद झूठ के जाल में ही नहीं फंसाया गया था, उनके साथ एक बड़ा विश्वासघात भी हुआ था। इरशाद के मुताबिक वो आईबी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए मुखबिरी किया करते थे, लेकिन एक काम को मना करने पर उनका वो हश्र किया गया जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इंटेलिजेंस के लिए सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करता था। मुझे उस दिन धोला कुआं पे बुलाया गया कि आप अपनी तनख्वाह ले जाएं आकर के। मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती थी 7,000 रुपये। वहाँ बुलाया गया और मुझे एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, उसमें 5-6 लोग थे। उसमें जिस अफसर के लिए मैं रिपोर्टिंग किया करता था वो अफसर था। उसने मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे वो ले गया। इनको कोर्स करा जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर में एक मिलिटेंट कैंप ज्वाइन करने के लिए। तो जब इरशाद अली ने स्पेशली इस चीज़ को मना किया क्योंकि उनकी फैमिली थी, बच्चे थे और माँ बाप थे, तो उनको एक सबक सिखाने के लिए जो है फिर इनको अबडक्ट करा गया, इलीगल इनको एक जगह पे रखा गया। इरशाद का केस पहली नजर में तो एक खालिस आतंकी हमले की साजिश जैसा ही मालूम होता था, लेकिन जब जांच गहराई में गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जब आईबी वालों ने मेरा किडनैप किया था तो उस वक्त मेरी पुलिस में FIR दर्ज की गई थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मैसेज किए गए थे, टेलीग्राम किए गए थे और हाईकोर्ट में अपील लगी। तो हाईकोर्ट ने इनको ढूंढने का भी इनको ऑप्शन दिया था कि आप इनको ढूंढे, लड़का कहाँ है। लेकिन 2 महीने तक वो ड्रामा करते रहे ढूंढने का। 2 महीने बाद मेरे को इलीगल कस्टडी ने दिखा दी कि हमने आज कश्मीर से आते हुए अरेस्ट किया है और इनके पास ये सामान था। तो एक पब्लिक नोटिस पब्लिश हुआ 9 फरवरी 2006 को हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें मौरिफ कमर की फोटोग्राफ आई, जिसमें जनरल पब्लिक से एक हेल्प मांगी गई थी कि किसी को अगर इनके बारे में कुछ इत्तला हो तो वो पुलिस में इन्फॉर्म करे। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जिस दिन इनका एक पब्लिक नोटिस पब्लिश हो रहा है अखबार में, उसी दिन इनका अरेस्ट दिखाया जा रहा है। इरशाद का केस जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। CBI की रिपोर्ट में पता चला कि इरशाद के फोन पर खुफिया विभाग के लैंडलाइन और तो और वहाँ के अधिकारियों के मोबाइल से भी फोन आते थे। यही बात इरशाद को बेकसूर साबित करने के लिए अहम कड़ी साबित हुई। वो लगातार मेरे कॉन्टेक्ट में थे, अपने होम मिनिस्ट्री की लीड लाइन से कॉल करते थे, अपने मोबाइल से कॉल करते थे, जिसका रिकॉर्ड CBI ने निकाला कि हाँ ये बात ये सच कहता है। जब मुझे उठाया गया उस वक्त लोकेशन मेरी धोला कुआं की थी, उस अफसर की भी धोला कुआं की थी। जब मुझे लीगल कस्टडी मेरी बाईपास दिखाई गई, उस टाइम जिन जिन पुलिस वालों की लोकेशन पुलिस की थी। जो आरोप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने FIR में दर्ज किए थे उन्हें खुद साबित नहीं कर पाई। स्पेशल सेल ने इरशाद पर बस के जरिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की बात कही थी। बस का नंबर था JK02Y0299, लेकिन इसे साबित करने के लिए ना तो स्पेशल सेल के पास बस का टिकट था और ना ही बस ड्राइवर, कंडक्टर या किसी यात्री की गवाही। निचली अदालत में दाखिल अपनी क्लोजर रिपोर्ट में CBI ने केस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और इरशाद की अर्जी पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तब केस जिनके जिम्मे था वो अफसर अब तरक्की कर चुके हैं, पहले से बड़े ओहदे पर हैं। इनमें पहले हैं संजीव कुमार यादव, साल 2006 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, वर्तमान में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं। कर्नेल सिंह, साल 2006 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर हैं। इन अफसरों ने अपने देश के लिए मुखबिरी का इरशाद को नायाब तोहफा दिया। संविधान की कसम खाए कानून के रखवाले अपने दंभ में कैसे एक आम आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कैसे सिस्टम एक निर्दोष को दर दर भटकाता है। इरशाद की टीस इसका जीता जागता नमूना है। कानून अंधा होता है, उसकी नजर में सब बराबर होते हैं, तो क्या कानून रुतबा देखे बगैर इरशाद को इंसाफ देगा? कोर्ट का यह फैसला स्पेशल सेल द्वारा दायर चार्जशीट पर ट्रायल के बाद आया है। यानी 2006 में स्पेशल सेल ने जितने भी आरोप इरशाद के खिलाफ लगाए थे उन सभी आरोपों को कोर्ट में साबित करने में नाकाम रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इरशाद के जीवन के जो 11 साल कश्मकश में गुजरे हैं उसके लिए जवाबदेही किसकी बनती है? वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर और अनिल सूद के साथ अमित कुमार सिंह, News18 India, दिल्ली। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, बिना ब्रेक के आके देखिए हादसा।